ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर वर्ग ऋणात्मक हो, क्या हो? ऋणात्मक हो, वो संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। लिख लीजिए, ऐसी संख्या जिसका वर्ग वर्ग को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? स्क्वायर। यहाँ पर दे रहे हैं, चलिए यहीं लिख रहे हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर ठीक, ऐसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, क्या हो? ऋणात्मक। ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर ऋणात्मक हो, अर्थात नेगेटिव में हो, इसमें हो नेगेटिव, उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं, उसे काल्पनिक, काल्पनिक संख्या संख्या काते काते ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अभी आपको देखिए, जैसे कर ले, चलिए यहां जैसे ले लेता हूँ, देखिए ठीक ना। ये सब क्या है? ऐसे सब जो है इटीसी कर लीजिए, ये सब क्या है? वास्तविक काल्पनिक संख्या है। अब समझिए कैसे, ये तो हो गया, कोई पूछेगा तो रूट में बोल करके उसको माइनस में बोलो, कोई संख्या रूट में बोलो और माइनस में बोलो, माइनस रूट आठ, माइनस रूट दस, माइनस रूट पाँच, माइनस रूट तीन, कुछ भी माइनस में बोल करके रूट में बोल दो, हो जाएगा क्या? काल्पनिक संख्या। अब देखिए, जो ये होता है ये आई, इसे बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं? आयोटा, आयोटा ठीक। अब आयोटा बोलते हैं तो अब ये आयोटा होता है माइनस एक, I बराबर माइनस एक होता है ठीक ना। अब अगर इसका हम स्क्वायर कर दें, क्या कर दें? स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा माइनस एक, आया कि नहीं? हमने लिखा किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर नेगेटिव हो तो क्या होता है? काल्पनिक संख्या होती है। ओके, इमेजिनरी नंबर, एनी नंबर किसी का स्क्वायर करेंगे अगर निगेटिव में आ गया ना तो आपका होगा इमेजिनरी नंबर। चलिए देखिए, अब यही चीज है ना, तो आप इसको आप लिख सकते हैं इसी माइनस को, इसको आई इंटू रूट वन कर सकते हैं। अब या इसी को आप आई इंटू वन कर सकते हैं या इसी को आई लिख सकते हैं। बात देखिए, जैसे रिजल्ट आप देखते हैं माइनस रूट पाँच इसको देखिए ना, अब इसको आप लिख सकते हैं क्या? हम बोले ना ये अगर नेगेटिव हटा देंगे, अगर अंदर से माइनस हटाना चाहते हैं तो बाहर क्या लगा दीजिए? आयोटा। क्या लगा दीजिए? आयोटा। भैया इसी को बोलते हैं आयोटा, आयोटा, आयोटा ठीक। देख रहे हैं ना, ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या, सब काल्पनिक संख्या। चलिए और देखिए, और एग्जाम्पल देख रहे हैं, इतने बहुत है। अब अगर देखिए आई का क्या, अब ये हो गया, अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो यानी ये हो गया। अगर आप जो है आई का स्क्वायर के स्क्वायर करना चाहते हैं तो आय क्या माइनस एक का स्क्वायर एक, तो ये हो गया काल्पनिक संख्या नहीं होगा। तो अगर आई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे अर्थात आई पावर क्या आएगा? चार, ये हो जाएगा आई पावर चार। तो आई पावर चार का मान क्या होता है? एक होता है ठीक, या एक का मान आई पावर चार होता है, लेकिन माइनस एक को हम बोलते हैं आई स्क्वायर। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर करने के बाद अगर फिर से स्क्वायर कर देंगे तो आएगा प्लस में ठीक। चलिए किसी भी काल्पनिक संख्या एक बार स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा नेगेटिव में, लेकिन फिर से स्क्वायर कर देंगे तो वो आ जाएगा प्लस में, पॉजिटिव में। चलिए अब इसमें एक आपको नोट डाल लीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आगे आपको हम अलजेब्रा में बताएंगे। क्या बताएंगे? कोई भी द्विघात समीकरण, द्विघात
द्विघात समीकरण कोई भी हो, कोई भी इक्वेशन हो, ठीक ना, बाइनोमियल इक्वेशन, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इक्वल जीरो लगा समीकरण कहेंगे, नहीं समीकरण नहीं कहते हैं, सब आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से एक कंडीशन आता है, कंडीशन ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस चार गुणे ए सी, ठीक ना, इसका मान अगर क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, निगेटिव मतलब जीरो से छोटा, जब भी जीरो छोटा हो तो निगेटिव होता है, हम रियल नंबर में आपको बताए हैं, अगर जीरो से छोटा होगा तो निगेटिव होगा, तो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो से छोटा है तो यह क्या होगी, तो ये संख्या जो होगी काल्पनिक होगी, क्या होगी, काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या आसन में। अब देखिए इसी को जो आपका ये है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसी बोलते हैं विविधकर, विविधकर, ठीक है, विविधकर, विविधकर, तो ये आपको हो गया क्लियर, हो गया, तो इसको आप क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रुक कर आराम से लिख सकते हैं, समझ में आया ना, तो समझ में आया तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम आपको बार बार बोलते हैं क्योंकि इतना अच्छे से इतना मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, अगर आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो बेकार ही है। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब इसके बाद आपको मैं बताऊंगा क्या समरस संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, इसका आप इसके साथ लीजिए आराम से।